पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवान देश के लिए शहीद हुए, जिसके बाद शहीदों की शहादत का आंकड़ा 40 से बढ़कर 45 हो गया। शहीदों की शहादत के बाद जहां देश रो रहा है, वहीं शहीदों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं एक ऐसे शहीद वीर की पत्नी जो इस दुख की घड़ी में भी देश को एक नई सीख दे रही है, एक शहीद जो रविवार को हुई पुलवामा आतंकी मुठभेड़ में देश के लिए शहीद हो गए। ये वीर शहीद हैं विभूति शंकर ढोंडियाल, जिनकी पत्नी निकिता कौल ने इस दुख की घड़ी में भी खुद को संभाले रखा। निकिता कौल और उनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। बावजूद इसके एक वीरांगना की तरह निकिता ने शहीद हुए पति को सल्यूट कर जय हिंद का नारा लगाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। ये पल बेहद भावुक कर देने वाला है। एक ऐसा परिवार जिसने अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान कर दिया है, एक पत्नी जो जानती है कि उसका शहीद पति अब कभी नहीं लौटेगा। वो शहीद हुए पति को ताबूत में देखकर बस उसे एकटक निहारे जा रही है। इस भावुक दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने शहीद पति से काफी कुछ कह रही हो। इसके बाद निकिता शहीद पति के कानों के पास जाकर कुछ बुदबुदाती है। इसके बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा कि ये बड़ा दुखद है, लेकिन इस बात का गर्व है कि उनके पति ने देश और जनता के लिए त्याग किया। मुझे उनकी शहादत पर गर्व है। ये वीरांगना इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने देशवासियों को संदेश देते हुए आगे क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। इस दुख की घड़ी में भी निकिता ने खुद को टूटने नहीं दिया, एक आंसू भी उनकी आंखों में उन्होंने आने नहीं दिया। एक वीर शहीद की वीरांगना पत्नी की तरह उन्होंने अपने पति को सलामी देकर अलविदा कहा। संवाद 365 हमेशा याद रखेगा अमर शहीदों की शहादत को, और सलाम है शहीदों के परिवार के जज्बे को। संवाद 365 के लिए काजल की रिपोर्ट।